चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। मतदान की मॉनिटरिंग के लिए एक व्यवस्था की गई है जहां पर वेबकास्टिंग मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है और मेरे ठीक पीछे चार बड़े बड़े स्क्रीन्स हैं जहां पर एक स्क्रीन में छः ब्लॉक्स कट सकते हैं, छः जगह के दृश्य देखे जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये वो पोलिंग स्टेशंस हैं जो प्रिपरेटरी स्टेज में है, जहाँ पर मतदान कर्मी कुछ देर में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर वेबकास्टिंग कैमराज शुरू हो गई हैं। इस तरह से अगर छः इस मल्टी स्क्रीन है तो यहाँ चार स्क्रीन को मिला के 48 जगहों की सीधे तस्वीरें यहाँ से देखी जा सकती हैं। और ये वेबकास्टिंग कल के फर्स्ट फेज के मतदान में 621 जगह तक रीच रखती हैं। मेरे साथ ये जो पूरी व्यवस्था है उसकी मॉनिटरिंग का जिम्मेदारी संभाल रहे हैं यहाँ पर। कैसे कैसे कर रहे हैं? जैसा कि आदेश है कि प्रथम चरण में 621 बूथों पर हमें अपनी रीच पहुँचानी है, तो वहाँ पे एक वेबकास्टिंग कैमरा और उसके संबंधित बाकी चीज़ों के साथ हमारे मैन पावर बूथ लेवल तक पहुँच रहे हैं और वहाँ से कैमरा लगा करके वेबकास्टिंग कराएंगे पूरे दिन सुबह। अगर हम पहले चरण की बात करें तो पलामू, लोहरदगा और अगर हम बात करें तो उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ बहुत सारे नक्सली बेल्ट्स हैं, बहुत सारे जगह पर तो हेलीकॉप्टर से टीम जाएगी, तो आप इस तरह से कैसे वहाँ तक? नहीं, हमारी टीम भी डिस्ट्रिक्ट की जो पोलिंग पार्टी है उनके साथ ही गंतव्य तक पहुंचेंगी। कई एक जगह ऐसे हैं जहां पर हमारे लोग खुद भी पहुंच सकते हैं आसानी से, तो वो हमारे लोग खुद पहुंचेंगे और बाकी के जगहों पर पोलिंग पार्टी की डिस्ट्रिक्ट वो उतनी व्यवस्था हमारे लिए कर रही हैं और सब लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट हो रहा है। हर पोलिंग पार्टी के साथ उनका अपना एक आईडी कार्ड बना है हमारे वेबकास्टिंग टीम के लोगों का, एंड दे आर रीचिंग एट द बूथ लेवल विद देम ओनली। अगर हम इस स्क्रीन की बात करें तो यहाँ कहाँ कहाँ की तस्वीरें दिखाई? जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक SSID नंबर है जो कि थोड़ा टेक्निकल चीज़ है और इसी से हम यहाँ के लोग समझ सकते हैं कि ये कैमरा कहाँ जा रहा है। उसमें बूथ का नाम भी आता है, तो अभी जैसे कि SSID पे ही काम चल रहा है, SSID की वजह से जहाँ एक पूरा डेटाबेस है यहाँ पर और उससे पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन किस जगह से हमारा फीड यहाँ पर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर के 621 जगह से इन तीन संसदीय क्षेत्रों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी? बिल्कुल की जा सकेगी, बिल्कुल की जा सकेगी। उसके बाद की क्या व्यवस्था है सेकंड चरण? उसके बाद फिर सेकंड चरण का चुनाव 6 तारीख को है, जिसमें कुछ कुल अभी के समय में 670 बूथ्स पे करना है। उसकी भी यही प्रक्रिया होगी, सभी जगह पर कैमरा पहुँचेंगे, हमारे वेबकास्टिंग के टीम मेम्बर्स पहुँचेंगे, बूथ लेवल ऑपरेटर्स, और वहाँ से इसी प्रकार से फिर वेबकास्टिंग को कराएंगे। वेबकास्टिंग का मतलब यह है कि चप्पे चप्पे पे सीधी नज़र रखना, तस्वीरों को देखना, और अगर कहीं से कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है, कहीं से कोई गड़बड़ी की शिकायत आ रही है, कहीं कोई कोताही सामने आ रही है, उस पर यहाँ से निर्देश देना, क्योंकि चुनाव आयोग का ये सब्सिडरी कार्यालय है, स्टेट लेवल की मॉनिटरिंग यहाँ से होती है। तो ये पुख्ता वेबकास्टिंग की व्यवस्था कल के मतदान के लिए है। वेबकास्टिंग की व्यवस्था पहले चरण के मतदान के लिए है जिसकी पूरी तैयारियाँ की जा चुकी हैं। कैमरामैन संजय के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 रांची।